नमस्कार साथियों, साथियों चैनल पर आपका स्वागत है। लगातार चैनल पर आपको लगातार ड्राइंग टीचर से संबंधित ढेरों जानकारियां मिलती रही हैं, लेकिन इस बार ये जानकारी सबसे अहम है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में अब वो ऑर्डर आपके सामने आ गया है जिसकी सभी इंतजार में थे, यानी कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के डिप्लोमे से संबंधित जो रिव्यू पिटीशन डली हुई थी, 30 तारीख को उसकी चैम्बर के अंदर हियरिंग हुई थी, आज उसका डिसीजन दे दिया गया है। क्या रहेगा रिव्यू पिटीशन का हाल, आप देखिए इस वीडियो में। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो साथियों, इसमें 5 अपील जो लगी हुई थी आप देख सकते हैं, ये सारे नीरज कुमार एंड अदर्स स्टेट हरियाणा रिव्यू पिटीशन सिविल, आप देखिए यहाँ पर डायरी नंबर है 5001। तो ये सारी की सारी जो रिव्यू पिटीशंस थी वो डाली गई थी चैलेंज करने के लिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से जो उसके ऑर्डर के बाद में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के डिप्लोमे को अवैध माना जा रहा था, हालांकि उसमें क्लियर नहीं दिया हुआ था, लेकिन फिर भी जो सरकार ने उनको लगाने से मना कर दिया था और सारे अभ्यर्थी लगे हुए थे इसमें दिन रात एक करके, सभी के लिए काफ़ी बधाई का दिन है ये। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब्दुल नजीर परमिशन टू फाइल द रिव्यू पिटीशन इज ग्रांटेड, इशू नोटिस रिव्यू पिटीशन इन ओपन कोर्ट। तो ये यहाँ पे बड़ी जीत है सभी की, कृष्णा मुरारी अब्दुल नजीर। हालांकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कल चैम्बर में ही ये थी और कोई भी एडवोकेट यहाँ पे बोलने के लिए नहीं, परमिशन उनको मिली हुई थी, लेकिन उनके एविडेंस इतने थे, चंदन कुमार जी के द्वारा दिए गए इतने ढेरों एविडेंस थे जो कि ये जाहिर कर रहे थे कि यहाँ पर एक बार तो इनकी बात सुननी जानी चाहिए। और पहले भी जो एमए लगी हुई थी उसके आधार पर भी ये सारी बातें हो रही थी कि हाँ, यहाँ पर एमए में भी इसी तरह की बातें हुई थी और उन्होंने कह दिया था कि इसकी रिव्यू पिटीशन आप फाइल करें, उसमें हम देखते हैं। तो ये जो कई तरह के इसमें दिए हुए हैं, आप देख रहे हैं सीए नंबर 7031 और अगले जो है परमिशन एंड, तो ये सारा का सारा जितने भी केसेस थे उन सभी का निचोड़ है, आप सभी को मिल गया है अब रिव्यू पिटीशन का तरीका। और आप सभी इसमें जरूर कुछ ना कुछ सहयोग जरूर दें, इससे संबंधित जो भी जानकारियां हैं वो संबंधित टीम को जरूर दें, ताकि आने वाले समय में वो इससे संबंधित और मजबूत कर सके। और इसमें टाइम टू टाइम यहाँ पर दिए जा सकते हैं, ऐड किए जा सकते हैं उसमें, और उनको फिर से दोबारा से भी ऐड किया जा सकता है। तो ये सारी की सारी एप्लीकेशन अब डिस्पोज्ड हो गई है और ये जो रिव्यू पिटीशन है अब ओपन हो गई है, अब ये सारी कार्रवाई चलेगी सुप्रीम कोर्ट में, इन दोनों अब्दुल नजीर और कृष्णा मुरारी जी की अदालत में पूरी की पूरी कार्रवाई चलेगी। जल्द ही इसकी जो नेक्स्ट डेट है वो शो हो जाएगी और जल्द ही इसमें डेट मिल जाएगी, और वहां पर फिर पटवालिया जी और जो दूसरे वकील हैं वो यहाँ पर पूरी जिरह करेंगे और फिर से दो दो हाथ करने के लिए वो तैयार हो जाएंगे। तो भविष्य में क्या होगा ये तो अभी नहीं कह सकते, लेकिन जो आशाएं हैं वो जरूर अब बलवती हो गई हैं, क्योंकि वो कैंडिडेट्स भी पूरे मेहनत करके आए थे। और अगर ये सारे पॉइंट्स वो ना रखते कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का इतना बड़ा प्रतिनिधित्व इसमें, इस वैकेंसी में 816 वैकेंसी में आपका लगभग 80% जो प्रतिनिधित्व कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने दिया है, अगर वो इस बात को ना सुनते तो उन बच्चों के साथ भी अन्याय होता जो अपने विद्यालयों में ड्राइंग टीचर की आस लगाए हुए हैं कि कब उनके ड्राइंग टीचर्स आएंगे, और क्योंकि सभी बच्चे ड्राइंग टीचर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो नेक्स्ट डेट जैसे ही इसमें आएगी वो भी आपको बताया जाएगा। आप अपनी शुभकामनाएँ जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको अब कैसा महसूस हो रहा है। थैंक यू।